को शेप ना करें, पर उस परिस्थिति के अंदर खुदा आपकी लाइफ को शेप करें। कहने का मतलब यह है, परिस्थितियां आपके खुदा नहीं, आपका खुदा नहीं है, खुदा आपकी हर परिस्थिति का खुदा है। हर एक जन जो खुदा में बढ़ना चाहता है, आपके पास एक चुनाव है कि या आप परिस्थिति के हाथ में अपने जीवन को सौंप दें और जैसे परिस्थिति ले जाए वैसे चले जाइए, या आप कठिन परिस्थिति में अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दीजिए और जैसा खुदा चाहे वैसा चलिए। कोई आपका राजा नहीं बन सकता है जब तक आप उसे बनाए ना। पैसे की परेशानी को अगर आप अपना राजा बना लेंगे तो जिंदगी भर पैसा आपके लिए परेशानी बना रहेगा, जिंदगी भर आपको नचाता रहेगा। बीमारी को राजा बना लेंगे तो बीमारी राज्य करती रहेगी आपके घर में, आपके परिवार के अंदर। पर अगर खुदा को राजा बना लेंगे तो इनमें से कोई भी और राज कर नहीं पाएगा, सिर्फ खुदा के। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 3री और 4थी है। जी पढ़िए। वह यीशु को देखना चाहता था। क्या चाहता था? देखना चाहता था यीशु को। हम में से बहुत से लोग हैं यीशु को देखना चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते, बट वी लव जीसस। वो यीशु को देखना चाहता था। भैया हम अपने परिवार में यीशु को देखना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के अंदर यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम अपने पति में बच्चे पति के अंदर यीशु को देखना चाहते हैं, मैं अपनी पत्नी के अंदर यीशु, सब लोग देखना चाहते हैं यीशु को, देखना चाहते हैं हर जगह यीशु हो। ये जकई जो है ये भी यीशु को देखना चाहता है। आप अपने फ्यूचर में यीशु को देखना मांगते हैं, आप अपनी बीमारी के बीच में यीशु को देखना मांगते हैं, हम सब यीशु को देखना मांगते हैं, ये भी यीशु को देखना मांगता था। एवरीवन वांट्स टू सी जीसस, इवन ज़कियस वांटेड टू सी जीसस। पर इसके सामने एक परिस्थिति है, वो यीशु को
देखना चाहता था, पर देखिए आगे क्या परिस्थिति है, कौन सा है कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण, परंतु भीड़ के कारण देख ना पाया। किसके कारण नहीं देख पाया? भीड़। परिस्थिति क्या है? अब क्या करें, हम यीशु को देखना मांगते हैं, इतनी भीड़ है भैया, वो तो इतने बिजी रहते हैं, हम क्या करें? अरे जाओ है, नहीं तो कहीं और देख लेंगे। कई बार हमारा ये एटीट्यूड बन जाता है, हम यीशु को देखना मांग रहे हैं पर कंफर्टेबली देखना मांग रहे हैं। एक गाड़ी आनी चाहिए, वो राजा की तरह हमें गाड़ी में बैठाए, गाड़ी ले जाए यीशु मसीह के सामने, और यीशु मसीह गाड़ी जब देखे हमारी आते हुए, तो वो आए गाड़ी के पास, आए गाड़ी का दरवाजा खोले, आओ बेटा बाहर आओ, वेलकम टू मीट मी। हम यीशु मसीह से मिलना मांगते हैं और चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें अपने आप को बिल्कुल अवेलेबल करा दें। अरे यीशु मसीह तो अवेलेबल हैं, वो तो इतने अवेलेबल हैं कि सब उनके चारों तरफ रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये, आप सबकी तरह नहीं बनना मांगते, आप अलग रहना मांगते हैं, आप दिखाना मांगते हैं, देखो हम अलग से आएंगे यीशु से मिलने, तब सबको पता चल जाएगा हम कितने प्यारे हैं। अब लिखा हुआ है कि वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को देख ना सका। फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो नाटा था। क्या था? नाटा। पहले तो भीड़, एक मुश्किल, दूसरी मुश्किल क्या? आमा देखो इससे कैसे लड़े अब। पहली मुश्किल क्या है? भीड़। दूसरी मुश्किल क्या है? नाटा। नाटे लोगों, आत्मिक रूप से हम लोग आत्मिक रूप से नाटे होते हैं। हम कैसे मिले यीशु? अच्छा भैया मीटिंग है, कितने बजे है? अच्छा अच्छा इतने बजे है? उस समय तो पानी आता है, नहीं उस समय तो ट्यूशन आता है, नहीं उस समय, देखिए ये सब क्या है, नाटकपन है। अब बहुत ट्रैफिक होएगा कैसे आएंगे, बारिश हो रही होगी कैसे आएंगे, ये सब परिस्थितियां हैं। मिलना आप यीशु से मांगते हैं ये 100%, मतलब कोई अगर मेरी कलीसिया में जितने लोग बैठे हैं यहां से लेके वहां तक, अगर मैं किसी से पूछूं कि आप खुदा से प्यार करते हैं, कोई नहीं कहेगा मैं नफरत करता हूं खुदा, सब कहेंगे मैं, देखिए जकई भी खुदा, अबे जकई भी मिलना मांग रहा था यीशु मसीह से, भैया कौन यीशु मसीह से, मिलना सब यीशु मसीह से मांगते हैं, पर बात यह है आप क्या उससे मिलने के लिए कुछ स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि आपके उन स्टेप्स में ही आपका सबसे बड़ा मिरेकल छुपा है। फिर से समझा रहा हूं, आप लोग सब यीशु से बहुत प्यार करते हैं, सब यीशु से मिलना मांगते हैं, सबको मालूम है मिलना जरूरी है, पर यीशु मसीह भी अपने आप को कई बार इतना अवेलेबल नहीं बनाता है, वो भी देखना मांगता है कि वाकई में तुम हमसे मिलना मांगते हो या नहीं। अब यीशु मसीह आपको डिनर पे बुलाए, ताज में बुलाओ बेटा खाना है, आ जाओ ताज, गाड़ी भेज दे तो सभी चले जाएंगे, कौन नहीं जाएगा बताइए, बात आ रही है आपके समझ में? हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि हमारी लाइफ ऐसी है, हम नाटे हैं, देखो हमसे कुछ नहीं होएगा। अरे खुदा ने जब तुम्हें नाटा बनाया होगा तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, हम मोटे हैं हम ऐसे ही रहेंगे, अरे जब मोटा बनाया होगा तो सोच के बनाया होगा, नाटा हो मोटा हो गाइठा हो छोटा हो लंबा हो, बनाया किसने, काहे बहाने बना रहे हो उससे मिलने के लिए, बनाया है ताकि वैसे ही मिलो जैसे हो। कोई चीज आपको रोक नहीं सकती मिलने से, पर आप अपने आप को खुद रोकते हैं। और पहले से हम अपने माइंड में डिसाइड कर रखा है हमने कि हम नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक बहाना है, इसके पास भी एक बहाना है, क्या बहाना है, मैं नाटा हूं, पब्लिक बहुत है, पर इसने इन सब चीजों को नहीं देखा, इसने देखा मुझे यीशु मसीह से, तो लिखा आगे कैसे गया, दौड़कर, कैसे गया आगे, दौड़कर यीशु मसीह से मिलना, ऐसे नहीं आ, यू वांट टू मीट जीसस, हम भागना नहीं मांगते हैं, हम पब्लिक को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, नहीं आपको यीशु से मिलना है ना, अगर यीशु से मिलना है तो बहाने बनाना बंद करिए, सबसे पहले क्या, दौड़ के, कैसे भाग के, कैसे भागा, आगे भाग, आगे दौड़कर भागा, और फिर आगे लिखे क्या लिखा है, एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्या क्या करने लगा,
गूलर के पेड़ अरे पर नाटे हो तो क्या हुआ, पेड़ पे चढ़ जाओ। नाटे हो तो क्या हुआ, पेड़ पे चढ़ जाओ। पहले से डिसाइड कर लो कि हम नाटे हैं, मिल नहीं पाएंगे तो तुम्हें पेड़ भी बोलेगा भाई तुम तो नाटे हो, तुम कैसे चढ़ोगे। हमने पहले डिसाइड कर लिया। मां बाप से बात करूंगा, आपके बच्चे हैं जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, अक्सर ट्यूशन का टाइम चर्च के टाइम से क्लैश करता है, करता नहीं करता? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यस और नो? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपने अपना दिमाग पहले से बना लिया, क्या बना लिया, भैया कैसे आएगा बच्चा, ट्यूशन है तो क्या चर्च आ सकता है, बच्चा आ सकता है कभी चर्च, यस और नो? क्यों नहीं आ सकता है? आपने पहले से बना लिया ट्यूशन है, प्रैक्टिकल। जकई क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, नाटा है, पब्लिक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या था, पेड़ है, पेड़ पे चढ़ जाओ यार। अगर हम अपना दिमाग पहले से बना लें कि हमसे ये नहीं हो सकता है तो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। पर अगर आप यीशु से मिलना मांग रहे हैं, आप बोले यीशु मसीह से मुझे मिलना है, भागते हुए गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ठीक है वहां से नहीं देख पाऊंगा, पब्लिक में से नहीं देख पाऊंगा, छोटा हूं नाटा हूं, पेड़ पे तो चढ़ के देख लूंगा, कुछ तो करूंगा कि उसे देख लूं। और मजे की बात मालूम है, जो ऐसा आदमी होता है ना, यीशु मसीह ठीक वहीं नीचे आके उसको भी देखता है। अगर तू मुझे देखने के लिए इतना ऊपर चढ़ सकता है तो मैं सब भीड़ को रुकवा के, एक एक जन को रुकवा के, सही जगह पे रुक के तेरी तरफ देख सकता हूं और तुझे वापस पेड़ से निकलवा के तेरे कंधे पे हाथ डाल के तेरे घर जा सकता हूं। पर अगर तुम ये बोलो हम नाटे हैं, हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, तो बेटा ठीक वहीं भीड़ में रहो, ना यीशु पेड़ के पास आएगा, ना तुम पेड़ के ऊपर रहोगे, ना वो तुम्हें घर ले जाएगा, ना तुम्हारे घर में नजात कभी आएगी। नाउ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या करें, हमारे बच्चे का ट्यूशन क्या करें, हमारे घर में पानी, हमारे घर में पानी उसी समय पानी पकड़ना, भाई पानी जरूरत है, बच्चे की ट्यूशन जरूरत है, किसने कहा ये खराब है? पर मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपका पानी, क्या आपकी नौकरी, क्या आपका बच्चा, क्या आपकी दुकान खुदा के बिना चलती रहेगी? तो आप खुदा को क्यों निकाल रहे हैं वहां से? मैंने कब कहा कि नहीं है प्रॉब्लम? मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले से दिमाग ना बना लो कि ये प्रॉब्लम है, इसमें फंसे रहेंगे, इससे निकल नहीं सकते। एक बार दुआ तो करो, खुदा बाप मेरे बच्चे का कोई ऐसा टाइम मिल जाए कि किसी और टाइम ट्यूशन जा सके। खुदा बाप कुछ ऐसा टाइम हो जाए, कुछ ऐसी मदद हो जाए कि किसी ना किसी तरीके से कोई आ जाए, पानी मुझे पकड़ने की जगह कोई और पकड़ ले, नहीं हो तो खुदा बाप कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कि कोई उसी टाइम पानी आए जिस समय हम घर पे। आप दुआ तो करिए, वैसे पहले से क्यों दिमाग बना लिया कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा? आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि ऐसे ही होगा, डायबिटीज हो गई तो आपने डिसाइड कर लिया, देखो मुझे डायबिटीज हो गई, अब जिंदगी भर मेरे को डायबिटिक, अब मैं अरे दुआ तो करो। अगर आप खुदा के पास जाएंगे और बोलेंगे प्रभु ये प्रॉब्लम है, तो प्रभु क्या करेगा, सॉल्यूशन देगा ना। आप पहले से ही बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आए हैं, पर सॉल्यूशन तो होएगा नहीं तुम्हारे पास। पानी का तो टाइम चेंज हो ही नहीं सकता, जीसस मुझे मालूम है, वो जो म्यूनसिपैलिटी वाले ने डिसाइड कर रखा है जब आप मीटिंग करेंगे उसी समय पानी छोड़ेंगे। नहीं वो पास्टर क्या बता, बच्चे का जो ट्यूशन है ना वो चेंज नहीं हो सकता। आप सही कह रहे हैं, नहीं चेंज हो सकता, आपने जो बोल दिया वही होएगा। और इसीलिए हमारे बच्चे एक्सेल नहीं करते। कैसे ग्रो करेंगे? सेल्वेशन कब आया, उद्धार कब आया जकई के घर में, बताइए? जकई के घर में उद्धार कब आया? जब यीशु मसीह उसके घर गया। अगर घर नहीं जाता तो उद्धार आता? पर घर कब गया था? जब उसने
जब उसने क्या किया, जब उसने दौड़ क्या तुम भी ऐसे पागलपना करते हो यीशु के लिए? इतना पागलपन है, दौड़ के जाएंगे हमें मीटिंग में जाना, दौड़ के जाएंगे। आप दौड़ के एक बार जाइए तो, थोड़े दिन दौड़ने तो दीजिए, फिर देखिए खुदा आपके लिए क्या करेगा। दौड़ना ही नहीं मांगते। अच्छा पता चल जाए बिग बाजार में सेल है 50-50%, आप फिर दौड़ देखिए। मैकडॉनल्ड्स में अगर कोई बोल दे आज आइसक्रीम फ्री है, तो सच बता रहे हैं आइसक्रीम से नहला देंगे लोगों को। आदमी हर जगह दौड़ने के लिए तैयार है, पर एसेंस ये है कि आप खुदा के लिए दौड़िए। पहले से दिमाग ना बना लो। अब क्रिसमस की मीटिंग स्टार्ट हो रही है, ढेर सारी मीटिंग्स होंगी, आपने पहले से डिसाइड कर लिया हम तो आ ही नहीं सकते। तुम आ ही नहीं सकते हो भाई, क्यों? आपने डिसाइड कर लिया, आपको कोई कूलर का पेड़ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो डिसाइड करता है कि मैं नाटा हूं, तो वो कहां देख रहा है? तो पेड़ कहां से देखोगे? जब अपने को देखते रहोगे तो पेड़ जो प्रॉब्लम देखेगा उसे सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता। आपके लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, आप उनसे मिलने जाइए, हमें पता होता है आप मिलते ही साथ उनके पास चार बहाने, चार बातें करने के लिए। आप उनसे मिलने जाइए, जाते ही साथ आज हमारे यहाँ दर्द है, आज हमारे वहां दर्द है, कल वहां था, परसों वहां था, 1986 से यही चला, वो सिर्फ दर्द के बारे में, और उन्हें मजा आती है बात करने में। वी एंजॉय टॉकिंग अबाउट इट। हमारा गाना है जो सालों से एक ही गाना बजता आ रहा है, मैं मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी है, मैं ऐसे ही रहूंगा। आपका ये गाना कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने पहले से बना लिया है कि मुझे ऐसे ही नहीं। यू कैन चेंज थिंग्स। आप एफर्ट थोड़ा सा लीजिए, आप डिसाइड करिए, खुदा को अपने लिए काम करने के लिए कुछ जगह तो दीजिए, तो वो काम करेगा ना, उसे मौका तो दीजिए। टेक सम स्टेप्स। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 49वीं आयत। जी हाँ पढ़िए जरा। वही कह ही रहा था, ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, हाँ? तेरी बेटी मर गई। क्या कह रही है? बाप, बाप को खबर मिली है कि बेटी मर गई, और बाप पता किसके सामने खड़ा है? यीशु के सामने खड़ा। परिस्थिति समझ में आई? परिस्थिति क्या है? बेटी मर गई। कहाँ खड़ा है ये? कई बार आप यीशु के सामने होते हैं, कहाँ होते हैं, और आपको अपनी चीजें मरती हुई दिखाई देती हैं। अब आप एक काम कर सकते हैं, यीशु मसीह मर गई, बताइए, दुआ कर दीजिए मुझे चैन मिले। यीशु मसीह बेटी थी, मर गई, मैं आया आपके पास, आप थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा स्लो थे ना आप, अब मर गई, अब एक काम करिए, दोबारा स्लो मत होइए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए चैन मिल जाए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। यीशु मसीह, मेरी बेटी ना वो बीमार है, वो ऐसे ही बीमार रहती है, पता नहीं होगी सही नहीं, कर दीजिए दुआ, हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे आएंगे। आपने डिसाइड कर रखा पहले से, बाप है कहां है? यीशु के सामने है, और क्या हुआ? बेटी मर गई। अब देखिए आगे पढ़िए जी, और गुरु को दुख ना दे। और वहां पर एक चेला भी है, पता क्या दे रहा है? हाँ छोड़ो, जीसस को परेशान मत करो, बहुत बिजी आदमी है, तुम जाके वहां रो, बेटी मर गई। और चेला क्या एडवाइस कर रहा है? गुरु को दुख ना दो। क्यों परेशान कर रहे हो जीसस को फालतू में? अब जीसस क्या कर पाएंगे? कई बार बहुत से लोग आपको यही एडवाइस करेंगे, अबे यार देखो प्रैक्टिकल हो, क्या देखो यार प्रैक्टिकल बनो थोड़ा सा, अब चीजें तो खराब हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कम से कम इसी के साथ जीना सीख लो। ये दुनिया आपको जो ज्ञान बांट रही है, और ये जो लोग आपको ज्ञान बांट रहे हैं प्रैक्टिकल होने का, इनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल के बारे में कुछ नहीं मालूम है।
आत्मिक प्रैक्टिकल ये है कि हम उन चीजों पे विश्वास करते हैं जो देख नहीं सकते हैं, पर दुनिया के लोग सिर्फ उन पे विश्वास करते हैं जो वो देखते हैं। उनमें और हम में डिफरेंस बहुत होना चाहिए। गुरु को दुख मत दो, मर गई है। आगे देखिए फिर क्या होता। जी, यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया। यीशु ने भी सुना और उत्तर दिया, मत डर, मत डर। यीशु क्या कह रहा है? मत डर। आदमी क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है मत डर। आदमी क्या कह रहा है? दुख ना दे। यीशु क्या कह रहा है? मत डर। आदमी क्या कह रहा है? गुरु को दुख ना दे। यीशु क्या कह रहा है? मत डर। आदमी क्या कह रहा है? गुरु को दुख ना दे। हाँ, अभी समझ में आया दुनिया क्या समझा रही है? अबे काहे यार इतना परेशान करते रहते हो खुदा को, हर समय चर्च में घुसे रहते हो। समझ में आया यार? मुझे बड़ा अच्छा लगता अपने चर्च में प्रीच करने का। ऐसा लगता है यीशु मसीह जब प्रचार करता ना ऐसे ही लोग बोला करते थे। सच में, सच में, मतलब द चर्च वाज सो ब्यूटीफुल, फील करते थे। अगर यीशु कह रहा है मत डरो, इसका मतलब यह है वो कुछ कर देगा तुम्हारे लिए। विश्वास कर सकते हो? कर सकता है। सब तबाह हो जाए, सब खत्म हो जाए, और यीशु तब भी कह रहा हो मत डरो, खड़े हो जाओ, बोलो नहीं, यीशु ने कहा है कुछ हो जाएगा। अब आप बहाने में रो सकते हैं, नहीं नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मर गया, अब कुछ नहीं हो सकता। सी, अगर हमने दुनिया का हिसाब जो है वो बिल्कुल सही था, दुनिया के स्टैंडर्ड से आदमी मर गया, भाई क्यों परेशान कर रहे हो? सही है, हम दुनिया का स्टैंडर्ड थोड़ी ना फॉलो करते हैं, हम तो आसमान के खुदा का। आए हमारे बाप तू जो कहाँ है?